समूह बनाया 10 औरतों का, फिर हमने अपने ग्रुप का नाम ओम नमः शिवाय रखा, फिर हमें ट्रेनिंग दी गई जैसे खड्डी की पिछले साल दी है हमें ट्रेनिंग, उसके बाद हम सभी महिलाओं ने ट्रेनिंग ली, फिर उसके बाद हमने अपना काम करना शुरू कर दिया। मैंने पढ़ाई भी की, मतलब एक था कि सेल्फ डिपेंडेंट बने, ये करें वो, मतलब मैं जैसे पढ़ाई आफ्टर मैरिज की ना तो ढंग से पढ़ाई नहीं हो पाई, जॉब भी नहीं लगी और फिर ऐसे फिर ये था कि कुछ करना है भाई, तो फिर हमने जैसे ये काम सीखा तो मुझे ये खुशी होती है कि मैंने ये काम सीखा तो मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं औरों को सिखाऊँ। और विंटर में सबके पास बहुत काम होता है, 2-3 महीने मतलब आराम से मतलब अपना ही करते हैं, और जैसे जिनको मैंने सिखाया है ना लड़कियाँ वो भी मैक्सिमम घर जाके काम कर रही हैं, और कोई नहीं आता वापसी से। सर्दियों में हम भी चाहते हैं कि कोई हमारी हेल्प करे, तो बोलते हैं मैम हमारे अपना काम ही नहीं कंप्लीट होता, वही नहीं किया जाता, वो इतना काम होता है। इसमें तो फायदा है, और फायदा कैसा है, जैसे हमें 1000 रुपए की जरूरत पड़ गई तो हमें जाना पड़ता है अपने फ्रेंड के पास, तो बोलते हैं हमें 1000 चाहिए, नहीं नहीं यार है नहीं, तो हमें बड़ी शर्म लगती थी। तो जब हम समूह से जुड़े तो हमने बेझिझक होकर मांगा कि हाँ हमें इतनी जरूरत है, तो तभी समझ आया सभी को, और बोलते हैं कि हमने और जुड़ना है अभी। BDP के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुपों का गठन और किसान क्लब का गठन किया गया, और इसमें जो अचार चटनी जैम मुरब्बा और नीटिंग और इस तरह के कई प्रशिक्षण, ठीक है जी, 2011 में जो है BDP का शुभारम्भ हुआ इस गांव में, उसमें जो है एग्रीकल्चर से लेकर के, एग्रीकल्चर में हमने 40 केंचुआ पिट और अभी 70 टाटरा बिट, मतलब टाटरा बेड, जो बर्मिंग कंपोस्ट खाद जो है उसमें तैयार की जाती है। जो हमारे अरबी है, अरबी को सूअर नहीं छोड़ता, और बाकी फसलें से मक्की है गेहूं है उसको बंदर नहीं छोड़ते, और पूरे खेत खाली हो गए। उसके बाद हमने गांव में सब ने बैठ करके मीटिंग की कि ऐसी कौन सी चीज़ें तैयार की जाए खेतों में जो कि बंदर से सूअरों से बचाई जा सके। फिर उसके बाद हमने ये निर्णय लिया कि एक हल्दी एक ऐसी चीज़ है और साथ में जिमीकंद है या जैसे मिर्चें हैं, ये इनको कोई चीज़ खाती नहीं है। तब जा करके फिर हमने हल्दी का बीज जो है प्रोवाइड कराया सरकार से, और उसके बाद फिर बीजा कुछ लोगों को भी दिया। इसमें हम अपने लिए तो हम दुकानों से खरीदते नहीं, अपना यूज़ करते हैं, उसके बाद गांव में जिसको कम होती है उसको भी दे देते हैं, और बाहर भी हम फिर जब जो डिमांड आती है बाहर भी बेचते रहते हैं। तो 2002 में हमारा जो संपर्क है वो NABARD से हुआ, और NABARD के साथ काम करते करते मंडी ज़िला में अब तक हम 5000 से ज़्यादा समूह जो है NABARD के सहयोग से बना चुके हैं। करीब 40,000 से ज़्यादा महिलाएँ जो है हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं और हमारे लोगों को समय समय पर ट्रेनिंग देता है, स्टेट लेवल पर ट्रेनिंग देता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है टाइम टू टाइम जो है इस तरह के जो ओरिएंटेशन कैंप जो है स्कीम के बारे में वो करता रहता है। NABARD टू इम्प्लीमेंट इट्स प्रोग्राम इज ऑलवेज स्काउटिंग फॉर द पार्टनर्स और से NGOs हु विल गो ऑन द ग्राउंड, हु हैव द लोकल प्रेजेंस, हु हैव द लोकल फील ऑफ दैट एरिया, एंड दे हैव द दे डोंट हैव एनी लैंग्वेज एंड अदर बैरियर्स। हम NABARD के पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन हैं, और पिछले 4-5 साल से स्टेट का फर्स्ट प्राइज NABARD से हम लोगों को मिल रहा है। आगे भी हम जो NABARD की योजनाएं हैं उनके साथ जो है लगातार कार्य करते रहेंगे ताकि जो समाज के लोगों को इसका फ़ायदा होता रहे।